Okay, quiet. I'm so sorry. I'm sorry, मैंने देखा नहीं. क्या नाम है आपका? वो मैं कैमरा लेने के लिए आई थी ऊपर. मैंने ये तो नहीं पूछा आपसे. नीचे मेरे भाई की मम्मी की रस्म हो रही है, जो जाना है. नाम बता दीजिए, फिर जहां कहेंगी रस्म कर लेंगे. जी मैं सनम का भाई हूँ. और आप? मेरा नाम जोया है. नाइस नेम. थैंक यू. कहाँ रह गई थी? कैमरा ऊपर से लेने गई थी, बनाने चली गई थी. तुम्हारी तो टांगे टूटी थी ना मेरे साथ जाते हुए. सनम का भाई है ना, बदतमीज, वो टकरा गया था. तमीज भाई? क्या बदतमीजी कर ली उसने? कैमरा नहीं दे रहा था. नहीं, जगह रोके खड़ा हो गया. लोहे की दीवार हटी नहीं रहा था. हाँ अच्छा, वैसे है कहाँ, नजर नहीं आ रहा. जाकर देख लो खुद ही, मैं तस्वीरें लेके आती हूँ. कहाँ घूम रहे थे? आपको मालूम तो है मैं जहाँ भी होता हूँ मस्त माहौल में होता हूँ. कम से कम आज के दिन तो तुम्हें नशा नहीं करना चाहिए था ना. आप जानती हैं ना, नशा करके ही तो होश में आता हूँ. मुझे लगता है रात ज्यादा पी ली है, मुंह से बू आ रही है तुम्हारी. जाओ जल्दी जाके ब्रश करो, नीचे मेहमान बैठे. जाओ जाओ जल्दी. जा रहा हूँ. तैयार के नीचे जाओ. भाई भाभी यहाँ देखे. माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है. माशाल्लाह माशाल्लाह. जी इजाजत. इजाजत. अम्मा आप भी यहाँ पे देखें, एक पिक्चर आपकी भी. अच्छा भाई शैतान जी, बिस्मिल्लाह. लो बेटी, बिस्मिल्लाह. मुबारक हो. जी शुक्रिया. मुबारक हो बेटा. मुबारक हो. मुबारक. मुबारक हो. मुबारक. मुबारक हो बेटा. भाई कांग्रेचुलेशंस. भाई एक तस्वीर हमारी भी बनाइए ना. अरे आप भूख क्यों गई? बनाइए ना तस्वीर हमारी भी उनके साथ. कांग्रेचुलेशंस. इस लड़की को देख लो, मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश है. वो क्यों? इसलिए कि मुझे एक और भर्ती करनी है और इस लड़की को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ. लेकिन यही क्यों? इसलिए कि वो तुम जैसी नहीं है. अगर अदनान की से शादी हो जाए तो इसकी आने वाली तनख्वाह का आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा मेरा. और ये इनकार करेगी नहीं. अल्लाह ताला तुम्हें दो जहां की खुशियां दे. मेरी दुआएं तुम्हारे साथ. बहुत खुश हूं मैं तुम्हारे लिए आज. बस अम्मा ये सब आपकी दुआओं का असर है.
आज आपने और बाबा ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। भाई आप और सनम भाभी बहुत प्यारे लग रहे थे आज। थैंक यू। और हाँ जोया, तुम क्या वहां तस्वीरें खींचने लगी? तुम्हें पता भी है ये गुनाह है? अम्मा आपने तो कोई फोटोग्राफर बुलाया नहीं, अब मैं भी भाई की मंगनी में तस्वीरें ना बनाती तो कौन बनाता? और क्या, खैर उस घर में तो बहुत ही शौकीन थे, सभी तस्वीरें खिंचवाए जा रहे थे बार बार। क्या बेचारी सोया को बिला वजह डांट रही है। सोया तुमने बहुत अच्छा किया जो पिक्चर्स कैप्चर कर ली, भाई ऐसे मौकों की मेमोरीज तो होनी चाहिए यार। अच्छा भाई सब छोड़ें, मुझे ये बताएं कि मैं कैसी लग रही थी। तुम बहुत प्यारी लग रही थी, सनम भाभी से भी ज्यादा। अच्छा बस बस, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, उससे तो कम ही लग रही थी। अब तो वही अच्छी लगेगी। अच्छा ये बताओ, वहाँ वो एक लड़का था अजीब सा। कौन? वो अदनान की तो बात नहीं कर रहे आप? सनम का भाई है वो। पता नहीं, मुझे तो लग रहा था उसने नशा किया हो। आप कैसी बातें करती हैं, बेचारा इतना नॉर्मल सा तो था। मुझे तो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लगा, अच्छा खासा बदतमीज था। क्या मतलब, उसने तुमसे कोई बदतमीजी की? नहीं अम्मा नहीं, मुझे बस ऐसा लगा। क्यों खामखा बेचारे पे इल्जाम लगा रही हो, अच्छा खासा माकूल लड़का था, जैसे हमारा मूवीज है माशाल्लाह ऐसा। अच्छा चलो अब जाओ, कपड़े बदलो और सोने की तैयारी करो। थैंक यू। तो मतलब तुमने ठान लिए जॉब करने की? हाँ राज, एक इंटरव्यू है जिसपे तू मेरे साथ जाएगा। मैं क्यों, मुझे क्या मिलेगा, मेरी नौकरी तो गई ना। अरे यार तू क्यों परेशान होता है? देख जब तक तेरी कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं हो जाती ना, मैं तुझे पैसे देता रहूंगा। मतलब पहले लात मारकर नौकरी से निकाल दिया मुझे, और अब पैसे देकर एहसान करोगे मुझ पर? भाई इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, पर इतने डायलॉग बोलने की भी जरूरत नहीं है। एक दोस्त दूसरे दोस्त पर एहसान नहीं करता, और तू जानता है फसी, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। जुनेद तुझे वाकई लगता है कि ये तेरा सही फैसला? पता नहीं, पर ट्राई करने में क्या जाता है? मतलब बर्बाद होने के लिए भी ट्राई करना चाहते हैं आप? बर्बाद नहीं, आपात। मैं जोया के साथ शादी करके उसके साथ आबाद होना चाहता हूं। मुझे लगता है कि जितने अच्छे सिंगर तुम हो ना, सिंगिंग छोड़ना तुम्हारे लिए बर्बादी ही है। आई डोंट नो तुम्हें ये बेवकूफियां करने का क्या शौक चढ़ गया है। देखो तुझे लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं, पछताओगे। मेरे सोने के दो कंगन चोरी हो गए हैं, आप इस्तखारा देखकर बताएं कि वो किसने उठाए। कहां से चोरी हुए तुम्हारे कंगन? मेरी अलमारी में से, मैं तो ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे। मुझे तो लगता है मेरी नंद ने या मेरे देवर ने उठाए। तुम्हारे कंगन किसी ने नहीं उठाए। बीबी आपको अख्तर साहब बुला रहे हैं। उनसे कह दो मैं अभी नहीं आ सकती, मेरे पास कुछ खवातीन बैठी हैं। जी बेहतर। हाँ तो क्या कह रही थी मैं? आप मेरे कंगन के बारे में बता रही थी। हाँ तुम्हारे कंगन तुम्हारी अलमारी में दाहिनी तरफ पड़े हैं, जहां सेफ रखा है उसमें है। बीबी अल्लाह आपको खुश रखे, जजाक अल्लाह।
क्या बातें हो रही हैं? अदनान, तुम भी अब शादी के लिए कोई लड़की पसंद कर लो। एक ही लड़की से? लेकिन एक ही से क्यों मामा? शादी एक लड़की से होती है। मगर एक से क्यों? क्योंकि शादी एक ही बार होती है और एक ही लड़की से होती है। लेकिन ये तो बाकी लड़कियों के साथ नाइंसाफी नहीं है। कोई तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी सारी प्यारी प्यारी लड़कियों की तस्वीरें दिखाई। मामा, लड़कियां सारी ही प्यारी होती हैं। तुम सीरियस हो जाओ, मैं तुमसे शादी की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं सीरियस ही हूँ और आपसे मैंने कहा तो है कि आपको जो लड़की पसंद है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। शादी तो करनी है, किसी से भी कर लेंगे। आप कहें तो 100 लड़कियों से शादी करने को तैयार हूँ। ये बात नहीं है। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि शादी एक जिम्मेदारी है। अपनी पसंद से होगी तो तुम अच्छे से जिंदगी गुजारोगे। मामा, मेरी पसंद की लड़की कोई एक नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे किसी के बाल पसंद हैं, किसी की आंखें पसंद हैं, किसी की आवाज पसंद है। But it's a commitment, brother. You need to take it seriously. Oh, English. मुझे मालूम है तुम मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तो अच्छी बात। वैसे आप लोगों को क्यों लग रहा है कि मैं सीरियस नहीं हूँ, मजाक कर रहा हूँ? इसलिए कि तुम सीरियस नहीं होते। मामा प्लीज, अब मुझसे मेरे फ्रेंड्स के बारे में कोई बात मत शुरू करती। ये रात को लेट आना, लड़कियों से दोस्तियां करना, ये शादी के लिए छोड़ दोगे? अगर आपको अपनी बहू की इतनी ही फिक्र है तो आप क्यों मेरी शादी करवाने पर तुली हुई? लेट मी एंजॉय माय लाइफ, क्योंकि मैं किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ने वाला। मैं जा रहा हूँ, बाय। आपको क्या लगता है कोई लड़की इसके साथ जिंदगी गुजारेगी? मुश्किल है। मुश्किल तो है, लेकिन कोई तो होगी जो इसे सुधारे। एक लड़की है मेरी नजर में। कौन? इसकी बहन जोया, याद है आपको? बड़ी क्यूट सी है। हाँ, तुम्हारी एंगेजमेंट पे शायद मिली थी मैं उससे। कैसी लगती है आपको? अच्छी, खूबसूरत थी और इंटेलिजेंट भी है। मुझे इस बता रहे थे कि आंटी आजकल उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं। लेकिन वो लोग अदनान से रिश्ते पे राजी हो जाएंगे? ये आप मुझ पे छोड़ दें, मैं राजी कर लूंगी। मगर लड़की से हमें कुछ फायदा भी हो, तेज तरार नहीं होनी चाहिए। जो एक उस तरह की लड़की है जो उसको आराम से कंट्रोल में रखेगी, जो करता रहेगा सहती रहेगी। तो ठीक कह रही हो, लेकिन खालदा कितना कुछ सोचा होगा उसके लिए। लड़के का शरीफ होना तो पहली शर्त होगी। मैं आपसे कह रही हूँ ना, राजी करना मेरा काम है, आप अदनान को मना ले, बाकी मुझ पर छोड़ दें। अच्छा, ट्राई करो। सर, सर आप? सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सर, मैंने आपकी हर एल्बम को फॉलो किया है। सर, सर प्लीज मुझे ऑटोग्राफ दे दें। थैंक यू सो मच सर। सर आप यहाँ किस लिए आए? जी, मैं दरअसल एक इंटरव्यू के सिलसिले में आया था। सर इंटरव्यू तो खत्म हो चुके हैं, क्या आप इनकी सिफारिश करने आए हैं? सर, किसी की सिफारिश करने से पहले इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि किसी का हक ना मारा जाए। आखिर को सब आपको जानते हैं सर। जी, पर क्या मतलब इंटरव्यूज खत्म हो चुके हैं? सर आप 20 मिनट लेट हैं, 12:30 पे सारे इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं। ये 20 मिनट तो जुनैद के लिए बहुत लकी है। चले, इंटरव्यूज खत्म हो चुके। आपके बॉस तो होंगे, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? श्योर सर, मैं अभी बताती हूँ। सर जुनैद द ग्रेट फेमस सिंगर आपसे मिलना चाहते हैं। जी सर। ओके सर, ओके ओके। आप सर आप इस साइड पे चले जाएं। ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। May I come in? अरे जुनैद सर, आप ये आप क्या कह रहे हैं? आइए ना, बैठे बैठे तशरीफ रखें। थैंक यू। आप पर इजाजत,
बैठे बैठे प्लीज आइए। आप यकीन कीजिएगा जिनेश सर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप हमारे ऑफिस में ये बताएं कि क्या लेंगे। सर आप एक मिनट जरा मेरी बात सुनिए। मैं जी जी मैं एक मिनट मेरी अभी की मीटिंग कैंसिल कर दीजिएगा। आज हमारे पास एक बड़ी अजीम शख्सियत जी जी नहीं सर फरमाएं क्या बात है। सर एक्चुअली मैं यहाँ पर एक जॉब इंटरव्यू के सिलसिले में आया था। आई एम सॉरी, इंटरव्यूज वैसे तो खत्म हो चुके हैं लेकिन चूंकि ये आपके साथ आए हैं और आप जैसी अजीम शख्सियत, मैं इनको बगैर इंटरव्यू के रख लूंगा। अरे नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं, ये एक्चुअली मेरे मैनेजर हैं। ओह आई एम सॉरी सर, मैं दरअसल खुद इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अरे जुनेद सर आप क्यों मजाक कर रहे हैं, आप और हमारे पास जॉब। सर मैं काफी संजीदा हूँ इस बारे में, आई रियली वांट टू डू दिस जॉब। अरे जुनेद सर क्यों, या तो आप अपनी इंसल्ट कर रहे हैं या फिर मेरी, जितने की आपने टाई पहनी है इतनी तो हम एक बंदे की सैलरी देते हैं। जुनेद सर आपका सूट, आपकी घड़ी, आपका मोबाइल, ये सब ब्रांडेड हैं, कहाँ ये 25-26 हज़ार की नौकरी कर पाएंगे। आप तो वही काम करें जिसके लिए खुदा ने आपको बनाया है, इतना बड़ा टैलेंट है आप बस सिंगिंग ही। राइट जी, थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट सीइंग। वन मिनट एक्सक्यूज मी जुनेद सर, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ हैं तो एक सेल्फी हो जाए। बीबी मेरे शोर की चौथी बार भी नौकरी खत्म हो गई है, अकेला घर का कमाने वाला, अब तो घर में कुछ खाने को भी नहीं बचा। आप कुछ ऐसा कर दें कि मेरी मियाँ की रोजगार लग जाए। ठीक है, करती हूँ, इसका कुछ हल निकल आएगा इंशाल्लाह। तुमने शोहर का नाम उनकी वालदा के नाम के साथ लिखवाया ना? जी जी। अच्छा भाई, इसमें जो आ रहा है उसके मुताबिक जब नौकरी लगेगी तो पहले 3 महीने की तनख्वाह सदके में देनी होगी, तब जाके जमेगी नौकरी। समझ रही हो ना सदके का क्या मतलब है? एक पाई भी खुद पे खर्च नहीं करनी, सारी की सारी सदके में देनी। ठीक, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। ये लो। बीबी तबरुक है? नहीं, मेरी बेटी की मंगनी हुई है उसी की खुशी में। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी बहू भी माशाल्लाह आप ही की तरह होगी, परहेजगार, सोमो सलाद की पाबंद। क्या आपके घराने की है? अम्मा आपको बाबा बुला रहे हैं खाने पर, तुम चलो मैं आती हूँ। हाय बीबी, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह कहो, अल्लाह नजीबत से बचाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम लोग खाना शुरू करो, मैं भी आती हूँ। आपके बगैर कैसे शुरू कर लें, बाबा को बहुत भूख लगी है, आप चले ना। रोया मैं कह रही हूँ ना कि मैं आती हूँ तो मैं आ जाऊंगी। तुम्हारा क्या मसला है? पता नहीं कहाँ रह गई, तो कुछ ज्यादा ही देर कर दी अम्मा ने। उनका रोज का यही मसला है यार। क्या हुआ? अम्मा ने मुझे इतने सारे लोगों के सामने डांट दिया। वो आ रही है कि नहीं आ रही? वो नहीं आ रही, बस खाना खाने की इजाजत देती है, आज फूकेगी नहीं खाने पर, इतनी सारी औरतें जो बैठी हैं उनसे दम करवाने के लिए। चलो छोड़ो, बिस्मिल्लाह करो। अरे शुरू करो बेटा। अम्मा से तो कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। छोड़ो अपनी अम्मा को, उनकी आदत है हुक्म चलाने की और डांटने की। छोड़ो। ये कुछ दुआएं लिख कर दे रही हूं मैं, जैसे इसमें हिदायत है उसी तरह इन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह नजर जाती रहेगी। ये लो, और ये दो नींबू
चार चार टुकड़े करके घर के सामने जो राहदारी है उस पर डाल दीजिए, ताकि जो आने जाने वाला हो उसका पांव उस पर पड़े। 3 दिन ये अमल करेंगी, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह खुश रखे बीबी आपको। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि असर और मगरिब के दरमियान अस्तगफार की तस्बीह किया करो बेटा, पर तुम गाने सुनना नहीं छोड़ोगी? नहीं छोड़ूंगी। ड्रामों और गानों में बहुत दिल लगता है तुम्हारा, और मैं हूं कि दिन रात तुम्हारे लिए दुआएं किए जाती हूँ। तुम आप क्या करें दुआ, आपने मुझे आज सबके सामने डांटा, इतनी इंसल्ट की मेरी। देखो मैंने तुम्हें कई बार कहा इस्तखारे वाले कमरे में यूं ना आया करो, वहां कई किस्म की औरतें होती हैं, उनके बड़े मसाइल होते हैं, उनके सरों पे अजीब अजीब किस्म के बोझ होते हैं, ऐसी औरतों की नजर भी लग जाती है। मैं घबरा गई थी कि कहीं तुम्हें कोई बद नजर ना लग जाए। फिर ऐसी औरतें क्यों आती हैं हमारे घर? इस्तखारा करवाने आती हैं, दुआ लेने आती हैं मुझसे। चलो उठो बस, वुजू करो और नमाज की तैयारी करो। मुईज चला गया बाहर क्या? जी चला गया आपका लाडला बेटा। वैसे उससे आप वजीफा करने के लिए क्यों नहीं कहती, उस पर क्यों नहीं लगाती पाबंदियां मेरी तरह? अरे वो लड़का है, वो क्या करेगा वजीफा, वैसे भी दीन में जबर नहीं है। मर्द कहाँ पाबंदियां बर्दाश्त करते हैं, मर्द के पाँव में बेड़ियां अच्छी लगती हैं। बाबा के पैरों में तो आपने जंजीरें डाल रखी हैं और खुद इबादत को बेड़ियां कहती हैं। फिर वही बात, कितनी बार समझाऊं मत उलझा करो मुझसे, ये फालतू की बहस मत किया करो। अच्छा खासा सवाब अपने हाथों से गवा देती हो तुम, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। चलो उठो वुजू करके नमाज पढ़ो। हो गया पूरा शौक आपका, तसल्ली मिल गई आपको इंटरव्यू देके? बाहर जॉब नहीं मिल सकती, कोई नहीं देगा आपको जॉब, याद रखना इस बात को। कोई भी मेरी मजबूरी नहीं समझ रहा, तुम सिंगिंग के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। यार वैसे वो इंटरव्यू लेने वाला बंदा था बड़ा कमाल, तुम्हारा फैन निकला। जिंदगी में पहली बार ऐसा फैन देखा जिसने इतने अच्छे तरीके से तुम्हें नसीहत की, बड़ा सच्चा फैन लगता था तुम्हारा। फिर कॉमेडी का मूड उड़ रहा है जनाब का, या मजाक उड़ा रहा है मेरा? चलो ठीक है, मैं तो कॉमेडी कर रहा हूं ना, वो तो नहीं कर रहा था ना। वैसे खुद सोचो यार, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड मोबाइल और 24,000 की नौकरी के लिए आप इंटरव्यू देने गए थे। तुझे क्या लगता है हाँ मेरे लिए बहुत आसान है सिंगिंग छोड़ना, ये सब कुछ छोड़ना बहुत आसान है? तो किसके लिए कर रहे हो? तू भी जानता है और मैं भी जानता हूं कि किसके लिए कर रहा हूं। मैं जोया के लिए कर रहा हूं, और किसी लिए कर रहा हूं। पर वो क्या कर रही है? तुम्हारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के बाद तुमसे ही बात नहीं कर रही? वाह तुझे क्या हो गया, मजबूरी है उसकी, यू नो दैट वजीफे में है वो, नाम महरम से बात नहीं कर सकती। ओ अच्छा, तो आप ना महरम है, मतलब आपके अलावा जितने भी लोग हैं वो सब महरम है। वैसे बहुत अच्छा रूल है, कितनी आसानी से जान छुड़ाने की बात है। क्या कहना चाह रहा है तू? कल उसकी माँ के साथ उसको देखा मैंने शॉपिंग मॉल में, तो वजीफा याद नहीं आया उसे? शॉपकीपर से तो बड़े आराम से बात कर रही थी, वो उसके लिए ना महरम नहीं था, है ना? अपनी माँ के साथ थी वो? जी हाँ माँ के साथ थी। मतलब लड़की अगर माँ के साथ होगी तो उसके लिए जो ना महरम होंगे वो महरम हो जाते हैं। ना सिर्फ वो अपनी माँ के साथ थी बल्कि मुझे बहुत अच्छे से मिलवाया भी उसने, बड़ी अजीब लड़की है वो। तुम्हें बेवकूफ बनाती जा रही और आप बनते जा रहे हैं, वेरी नाइस। चित्र पास कर यार, कुछ भी मन बोला। हाँ जुनेद तेरी जिंदगी में प्यार की कमी है क्या? हाँ
अरे हजारों लड़कियां चाहती हैं तुझे, लोग चाहते हैं तुझे, मरते हैं तुझ पे। फसी मैं जानता हूं लोग चाहते हैं मुझे, पर बिकॉज आई एम सिंगर इसलिए चाहते हैं, सिंगर को चाहते हैं मुझे नहीं। तो मेरे लिए वो अहमियत नहीं रखता, हजार लोगों के चाहने में, किसी एक की मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क होता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं क्या चाहता हूं, मैं जोया को चाहता हूं और उसकी मोहब्बत को चाहता हूं, इसलिए मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत उसी बात की। गया कोई मेरा जिया पुछ पुछ मैं सब कर डाल बना किस गल दी सजा मनु देवे खुदा। सरप्राइज। व्हाट? वेट वेट अ मिनट। थैंक यू। Oh my God! Are you serious? 5 lakh रुपए का चेक? Thank you so much, Muiz. तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर दी। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी देखती जाओ तुम्हारे प्यार के लिए मैं क्या-क्या कर लेता। याद रखना ये बात। मैं क्यों भूलने लगा? वैसे अम्मा बहुत खुश हैं। तुम बता रहे थे कि आंटी जोया की शादी करवाना चाह रही है ना? तो बहुत छोटी है यार, पढ़ रही है। लेकिन तुमने खुद ही तो कहा था कि आंटी रिश्ता तलाश कर रही हैं। वो चाहती हैं कि जोया की जल्द से जल्द शादी हो जाए। हाँ, 2-4 रिश्ते आए थे उसके लिए, लेकिन मैं चीज के उसका खिलाफ। क्यों? यार मैं नहीं चाहता कि जोया भी ये घर छोड़कर जाए, मुझे बहुत मजा आता है उसकी वजह से। लेकिन मुझे उसने किसी ना किसी दिन तो जाना है ना उस घर से। तो तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे आने से पहले वो ये घर छोड़कर चली जाए? What's wrong with you? मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। तो फिर क्या मतलब है? मतलब ये कि मेरी नजर में एक बहुत अच्छा रिश्ता है जोया के लिए। तुम्हें कब से फिक्र होने लगी जोया की इतनी? क्यों नहीं होगी मुझे उसकी फिक्र, आखिर मेरी इकलौती नंद है, मुझे बहुत पसंद है। बल्कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं उसे अपनी भाभी बना लूं। क्या भाभी? हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे और मॉम, हम दोनों को जोया बहुत पसंद। अदनान भी इतना अच्छा है। मुझे ये बताओ कि जोया किसी और लड़के को तो नहीं पसंद करती ना? उसको ये हक नहीं, तुम तो हमारे घर के माहौल को जानती हो। वो बहुत छोटी है, पढ़ रही है, वो अम्मा की इजाजत के बगैर घर से एक कदम बाहर नहीं निकालती, हर वक्त पढ़ाई में लगी रहती है। और वैसे भी अगर उसकी शादी होगी तो अम्मा की पसंद से होगी, और तुम जानती हो कि अम्मा किसी की नहीं सुनती। तो तुम्हारी तो सुनती है। I don't care. तुम बस आंटी को जाके बता देना कि मैं और मॉम अदनान का रिश्ता लेकर आएंगे। That's it. Thanks for the check. तो दिल ने मेरे ये चीख कर कहा। क्या बात है भाई, बड़ा खुश नजर आ रहे हो, गुनगुनाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि रीज ने कहा है कि जोया जोहर की नमाज पढ़ने के बाद मुझे फोन करेगी। ओह आई सी, तभी इतनी खुशी चेहरे पे, इतनी बहार छाई हुई है, गुनगुनाया जा रहा है। वाह। इसलिए क्योंकि सिर्फ आधा घंटा रह गया है। And I'm counting. यार जुनैद, तू बहुत खुश है ना आज? तू मेरी एक बात मानेगा? आज मैं इतना खुश हूं कि तू जो कहेगा ना मैं सब मानू। यार वो शो स्पॉन्सर ने कान खा लिया। सिर्फ एक लास्ट कॉन्सर्ट, फिर उसके बाद मैं तुझे कभी भी नहीं कहूंगा, प्रॉमिस मेरा। बस अगर मैं गलत नहीं कह रहा ना, तो तूने यही स्टेटमेंट देकर पिछले 4 शोज कराए। यार मैं तेरा भला चाहता हूँ भाई, मैंने भी तेरी हर बात मानी ना। तू जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया, मैं साथ चला, ठीक है? तेरी जॉब वाली जिद भी मान ली। तूने कहा मैं सिंगिंग छोड़ दूंगा, वो बात भी मैंने मान ली। देख, अगर तू मुझे वाकई दोस्त समझता है ना, तो प्लीज मेरी ये बात लास्ट शो। हरगिज नहीं।
जॉब करेगा? शो स्पॉन्सर ने ऑफर किया कि एक लास्ट शो और फिर उसके फौरन बाद उन्हीं की म्यूजिक कंपनी में एज अ कंपोजर जॉब, 50,000 सैलरी। लास्ट शो प्लस जॉब, चॉइस आपकी। तुझे पता है ना तू क्या कह रहा है? मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कह रहा हूं और मैं सच कह रहा हूं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। शो स्पॉन्सर को भी यकीन नहीं आ रहा कि जुनेद साहब जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, दोनों की जॉब। थैंक गॉड साथ में मेरा काम भी बन जाएगा। यार तूने अगर ठाने लिए नैया डबोने की तो सही है, मैं भी तेरे साथ हूँ। शो कब? वो मैं तुझे बता। सो तेरी भिंडी रेडी? मैंने सिंगर्स को कॉन्सर्ट्स के लिए या तो न्यू एल्बम के लिए इंतजार करते हुए देखा। पहला सिंगर है जो अजान के लिए वेट, वो भी एक लड़की से बात करने के लिए। क्या हाल कर दिया तुम्हारा जोया केश, मुल्लाओं की तरह खुश हो रहे हैं अजान के। वजह है मेरे पास, अजान होगी फिर वो नमाज पढ़ेगी और नमाज पढ़ने के फौरन बाद मुझे फोन करेगी। बोल लीजिए, आगे बुलावा आपका। खाना बना। हाँ जुनेद, बोलो क्या बात है? इतना अरसा हो गया तुम्हारी आवाज सुने, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरीज का फोन आया था, बता रही थी कि तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ जरूरी बात तो करनी थी, तुमसे बात नहीं हुई ना, इतना अरसा हो गया, रابطہ भी नहीं हुआ। तुम्हें तो पता है वजीफा करने में मसरूफ थी और वजीफे में किसी नामहरम से बात नहीं कर सकती। तुम वजीफे में मार्केट जा सकती हो, दुकानदारों से बातचीत कर सकती हो, वो तुम्हारे लिए नामहरम नहीं है। दुकानदार मेरे नामहरम है, लेकिन मैं अपनी अम्मा के साथ गई थी मार्केट। वजीफे में किसी नामहरम से अकेले मिलने थोड़ी गई थी, और सबसे बढ़ के अम्मा मेरे साथ थी। हाँ वजीफे में छुप के किसी नामहरम से बात करना गुनाह है, जैसे कि मैं अब तुमसे बात कर रही हूँ अपने घर वालों से छुप के। सॉरी मुझे इतनी डिटेल पता नहीं। हर बार ऐसी बातें करते हो और फिर सॉरी कहते हो। अच्छा मैं अपने अल्फाज वापस देता हूँ, ओके? माफ कर। अच्छा बताओ क्या बात बतानी है तुमने मुझे? नहीं बात तो कुछ और करना चाहता था पर भूल ही गया। अच्छा तो अब बता दो। वो मेरी जॉब हो गई। इतनी खुशी की खबर तो मुझे अब बता रहे हो? तो पहले फुर्सत ही नहीं मिली, तुम भी नहीं मिली। जुनेद तुम्हें बात मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें तुम्हारी शिकायतों से फुर्सत मिले तब ना। अरे सुनो, जिस कंपनी में जॉब हुई है ना उन्होंने एक शर्त भी रखी है। क्या? दे सेट के एक आखिरी शो करना पड़ेगा उनके लिए, बस तुम समझ लो कि मेरी जिंदगी का आखिरी शो होगा। फिर जोया में ये आखिरी शो और अपनी जिंदगी का आखिरी गाना तुम्हारे सामने गाना चाहता हूं। पर तुम जानते हो ना कि मेरा आना मुश्किल होगा। देखो मैं सब कुछ छोड़ा तुम्हारे कहने। तुम खुश नहीं हो? तो मुझे दुनिया की हर खुशी मिल जाए। तुम देखना इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तुम्हारी हो ना? मैं कोशिश करूंगी आने की। मैं फसी को बोल दूंगा वो पास से सीरीज को पहुंचा देगा। ओके बाय। Bye. सारा जहां तक लिया ना मिला बस वही अपना, जिसे अपना बनाया सुनाया था हाल दिल अपना। पाऊं भी
तो पाँव में क्या रहेगा यहाँ कुछ दिन अपना। सच कहे तो कहे क्या जग खुद एक झूठ अपना। मेरे दिल की सदाएं चीखे और चिल्लाए ये पुकारे जाने किसको कोई आए तो पाए ये दिल भी सुकून जरा। मेरा एक सपना था बस वही अपना था मुझे सबसे था प्यारा अब जाने क्यों तन्हा वो छोड़ मुझे यूं।